हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई, जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, बिल्कुल भाई पब्लिक डिमांड थे कि भैया नई वाली ड्यूक 390 के साथ आप R3 का एक बार रेस करो। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपकी यमहा की R3 वर्सेस ड्यूक 390। यूट्यूब पे शायद पहली होगी, तो इन दोनों की आज हम ड्रैग करेंगे और देखेंगे क्या R3 नई वाली ड्यूक को पीछे कर पाती है कि नहीं कर पाती है। दोनों के इंजन की बात करें भाई, तो जो ड्यूक 390 आपका LC4C 399 cc का इंजन है, जो कि आपको पावर देता है 46 PS का। एंड टॉक की बात करें तो 39 Nm का टॉक जनरेट करती है। प्राइस की बात करें तो 370,000 के आसपास आ रही है। वहीं हम बात करेंगे R3 की, तो भाई इसमें 2 सिलेंडर 310 cc का इंजन यूज किया गया है, 2 सिलेंडर का, जो कि आपको पावर देता है 42 PS का पावर देता है एंड 29.5 Nm का टॉक जनरेट करता है। भाई टॉक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, पावर में तो 4 PS का डिफरेंस आ रहा है। बट यहाँ पे R3 जो आपकी भाई फेयर लुक के साथ आती है, बिल्कुल पूरी फेयर बाइक है, और R390 आपकी जो है नेकेड बाइक है। तो इन दोनों की ड्रैग रेस करेंगे। और हाँ यार, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करना, और चैनल को अगर नए हो गए तो जरूर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नए हो गए अगर अपने चैनल से जुड़े हो तो आपको शेयर करो। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आपको ले चलेंगे सीधा बाइक पर। और ये R3 आपकी भी देखो भाई, बता दूँ ये पुराना वाला मॉडल है जिसमें ABS नहीं आता है, देख लो ये नॉन ABS वाला है। बाकी अगर नई वाली R3 की बात करें तो भाई वो आपकी जा रही है 5 लाख प्लस, मतलब 4,60,000 उसका एक शोरूम प्राइस है, 4,65,000। तो उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप लोगों के लिए लेके आएंगे। सबसे पहले उसकी सबसे पहले ड्रैग रेस देखनी है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं सीधा बाइक पे। ओ सॉरी, 320 cc का इंजन है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ 320। तो सोच रहा हूँ मैं पहले चला लूँ अपनी ड्यूका 390। तो चलो चलो। ए भैया, हेलो हेलो सर, धन्यवाद। और इसका देखते हैं भाई, ट्रैक्शन वगैरह ऑफ कर दे, रुक जाइएगा। राइड मोड ट्रैक, ABS ऑन, MTC ऑफ, लॉन्च कंट्रोल ऑफ, ऑफ किया जा रहा है। R3 बहुत पीछे चल रही है।
आप भैया से पूछेंगे क्या था। क्या रिजल्ट था आपका? हा? क्या था क्रॉस कर 192 स्टॉक स्टॉक है थोड़ी वही था, इतनी भीड़ आ गई ना वहाँ पे। हाँ। धीरे करना इसका, एक्चुअली क्या है ना, ये टॉप स्पीड देने में बहुत टाइम ले रही है। हाँ, थोड़ा पुरानी हो गई है यार। हाँ? टाइम नहीं लेती टॉप स्पीड करने में। हाँ, पुरानी भी हो गई ना। बट ये पहली बार था मुझे लगता है कि किसी KTM ड्यूक 390 नेकेड ने R3 को हराया। तो अभी देखो यहाँ पे भाई, देखो स्विच इसका। अच्छा एक चीज और भी है, गाड़ी जब वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, डिसकंटिन्यू, पार्ट्स मिलना बड़ा दिक्कत हो जाता है ओरिजिनल। हाँ अब आ जाएंगे तो अब नई वाली के आएंगे। हॉर्न दीजिएगा, हॉर्न 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 इसमें। डुप्लीकेट टायर लगाने का ही फायदा होता है हमारे, फिर टायर लगे भाई देखो स्लिप कर जा रहे हो तेरी। क्या हुआ क्या क्या हुआ, कितना गई? 175 के आसपास। अरे ये तो बहुत तेज निकल गई थी सट से। अरे यार तो सीधी रोड मिल गई ना वहाँ पे ऐसे कर्व कर्व कर और उसमें ट्रक आ गया तो ओह शिट, स्ट्रेट रोड पे निकल जाएगी। बाद में जब मेरी 193 थी तो मैंने निकलने वाली थी, जब तुमने रेस स्टॉप की है निकलने वाली थी। तो भाई ये थी आपकी ड्रैग रेस। आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर जरूर करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। और आप लोग बताओ भाई, देखो R3 भाई टॉप एंड में निकल जा रही है गाड़ी, 188-189 ऐसे गई है। प्रॉपर स्टॉक है, टायर भी MRF के लगे हुए, तो लॉन्चिंग में थोड़े से टायर स्लिप कर गए थे। तो कैसी रही रेस आप लोग बताइए करके, एक प्यारा सा कमेंट करके। अपना इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप जाके DP46 राइडर आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।